अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम जुनेद और आज हम सैलून स्टोर की हेयर एंड मेकअप एकेडमी में मौजूद हैं और यहां पे हम स्टारबक्स का कलर फंकी कलर्स का डेमो लेंगे। आपको इसका एप्लीकेशन कैसे है, ये कैसे अप्लाई करना है आज मैं सब आपको बताऊंगी। ये हमारे मॉडल्स के हेयर्स हैं जिन पे आज मैं आपको फंकी शेड्स का काम दिखाऊँगी और ये ट्रीटेड हेयर्स हैं और इनके ऊपर हम डिफरेंट मल्टी कलर्स करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्जन हेयर्स पे भी बताऊंगी कि वर्जन हेयर पे ये कलर कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत सारे स्टारबक्स के शेड्स हैं, ग्रीन, पर्पल, रेड, ऑरेंज, ब्लू, लेकिन मैंने अपने मॉडल को देख के तीन कलर सेलेक्ट किए हैं। एक वॉयलेट है, इसका नंबर है 466। दूसरा कलर मैंने सेलेक्ट किया है पिंक 064। और एक तीसरा कलर जो मैंने सेलेक्ट किया है वो पीको ग्रीन है और उसका नंबर है 822। और अब मैं ये ट्रीटेड हेयर्स पे आपको एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी कि ये डायरेक्ट एप्लीकेशन ट्रीटेड हेयर्स पे कैसे होगी। अच्छा, मैंने अपनी मॉडल का एक सेक्शन ले लिया है क्योंकि मैंने थ्री कलर्स करने हैं, तो मैंने एक सेक्शन लिया है। इस पर मैं एक कलर एप्लीकेट करूँगी और नेक्स्ट सेक्शन में मैं दूसरा शेड लगाऊंगी और फिर एक और सेक्शन लूँगी उस पर थर्ड शेड। फिलहाल मैं इस पर पिंक शेड एप्लीकेशन करने लगी हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने इसका पिंक कलर लिया है और इसकी क्या रेशो रहेगी वो आप साथ साथ देखते जाएं, क्योंकि मेरा मॉडल का बाल ट्रीटेड है तो मैं इसकी रेशो उस हिसाब से रखूंगी। इसमें 20, 30, 40 वॉल्यूम अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ट्रीटेड हेयर्स की वजह से इस पर 30 वॉल्यूम की एप्लीकेशन करूँगी। तो आपने 1:2 की रेशो से इसको अप्लाई करना है, इतना मतलब 1:2 रेशो 30 वॉल्यूम के साथ हमने पिंक शेड को मिक्स किया है। और आप अपने बालों के लेवल को देखिएगा, क्या आपके बालों का लेवल है, वर्जन है, ट्रीटेड है, उस हिसाब से आपने इसकी रेशोज़ को मिक्स करते रहना। अब जैसे फॉइल्स में हम फॉइल्स निकाल दें, लेकिन मैं थोड़े से मोटे सेक्शंस के साथ लूँगी ताकि फंकी शेड है वो प्रोमिनेंट हो। अब मैं नेक्स्ट इनकी फाइल्स लगा के ग्रीन कलर की एप्लीकेशन करूँगी और इसकी रेशो भी आप देख रहे हैं, मैं इसकी रेशो किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। इस पर भी मैंने 1:2 की रेशो से 30 वॉल्यूम की एप्लीकेशन के साथ ही इसको हमने अप्लाई करना है। 1:2 की रेशो ये देख रहे हैं आप। इसमें वैसे 20, 30, 40 वॉल्यूम्स हैं, आपने अपने बालों के स्ट्रक्चर, अपने बालों के लेवल को देख के उसकी मिक्सिंग करनी है। आप पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें ताकि आपको इसकी न्यू से न्यू इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मिलती रहें कि वर्जन और ट्रीटेड हेयर्स पे इसको कैसे एप्लीकेशंस करते रहना। अब मैंने नेक्स्ट सेक्शन लिया और उस पर मैं पीको ग्रीन कलर की एप्लीकेशन करने लगी हूँ। और पीको ग्रीन कलर जो है उसकी रेशो भी आपने 1:2 के साथ आपने देखा मैंने कैसे मिक्सिंग की है। इसको आपने एप्लीकेशन करनी है इसकी, इसको ज़रा ज़्यादा इसको थिक लगाना है, थिन नहीं लगाना है इस मटेरियल को। जितना थिन होगा उतना अच्छा शेड को पिक करेगा। अब मैंने नेक्स्ट सेक्शन निकाल लिए हैं और उस पर मैं वॉयलेट की एप्लीकेशन करूँगी जिसका नंबर 466 है। ठीक है, इसकी भी रेशो आपने देखनी है, उसी तरह ही उसकी रेशो मिक्स करनी है। ये हमारा स्टारबक्स का वॉयलेट शेड है, मैं वॉयलेट की एप्लीकेशन कर रही हूँ। अच्छी तरह इसकी एप्लीकेशन करें, एक एक बाल खोल के उसको अप्लाई करें, अच्छी तरह से उसको मल्टीफाई करें। कोशिश करें जितना थिक लगेगा उतना अच्छा उसका शेड आएगा। स्टारबक्स के तीन शेड्स मैंने अप्लाई कर दिए हैं फॉइल्स लगा के। तो मेरी मॉडल के फ्रंट पे मैं चाह रही हूँ कि मैं फ्लेक्सन का शेड भी अप्लाई करूँ। इसका नंबर है 7x4। ठीक है, ये इसका शेड है और इसका नंबर है 7x4। मैं इसके फ्रंट पे फॉइल्स लगा के इसकी एप्लीकेशन आपको करके दिखाऊँगी कि फ्रंट पे ये कलर आपको कैसे शो होगा। ये फ्लेक्सन का 7x4 नंबर की एप्लीकेशन करनी है, तो मैं इसका मिक्सचर बनाया है तो मैं इसकी 2:2 की रेशो रख रही हूँ क्योंकि फ्रंट है और उस पर इतना ट्रीटेड हेयर नहीं है, वर्जिन बाल है। अच्छा व्यूअर्स, हमने अब इनको टाइम दिया था मैक्सिमम 35 मिनट्स
और 35 मिनट्स के बाद हमने इनका रिज़ल्ट देखा। ये देखें, इनके बालों में ये फ्लैक्स एंड शेड्स जो है वो आ गया है। अब इनको यूनिट पे लेके जाएंगे, इनके वॉश करेंगे और फिर आपको सारा इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे कि क्या रिज़ल्ट आया। अब हमने इनके फॉइल्स को वॉश कर दिया है, ये पिंक वाले को हमने सेपरेट वॉश किया। कोशिश करें कि सब फॉइल्स को सेपरेट सेपरेट वॉश करें ताकि हमारे कलर आपस में मिक्स ना हो जाएं। पिंक वॉश किया है, अब ये पिको ग्रीन वॉश कर रहे हैं, वायलेट सब अलहदा अलहदा से वॉश करना है। जैसे कि मेरी मॉडल सुंदर यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, इनके ट्रीटेड हेयर्स के ऊपर मैंने 3 शेड्स अप्लाई किए थे बैक फॉइल्स लगा के, पिंक, वॉयलेट एंड पिको ग्रीन कलर किया था बैक पे, एंड फ्रंट पे मैंने फ्लेक्सन शेड यूज़ किया था स्टार ब्लैक्स का। और जैसे कि रिजल्ट आपके सामने हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन की है इनकी, ये देखें ये 3 शेड्स इनके बालों में डायरेक्ट एप्लीकेशन के साथ की हैं। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ट्रीटेड हेयर्स हैं, अर्जेंट कलर आ गया है फ़ौरन से, तो आप देखो कि ऊपर ट्रीटेड नहीं था, सिर्फ नीचे ट्रीटेड हेयर था, ऊपर वर्जन बाल था, वर्जन पे भी सेम शेड आया है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो आप लोग अपने पास जब कलर करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट salonstore.pk को विजिट करें और ऑर्डर करें।